बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं अल्लाह ताला के पाक नाम से। हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल देवरानी जिठानी एंड वेलकम बैक टू अनदर डिलीशियस वीडियो। हाँ जी, तो व्यूवर्स कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से हम भी एकदम ठीक हैं, मज़े में हैं। और आज भी अपने व्यूवर्स के लिए बहुत ही हेल्दी, बहुत ही मज़ेदार, ज़बरदस्ती रेसिपी लेकर हाजिर हुए हैं। तो हमारी आज की रेसिपी क्या बनने जा रही है मेरी जिठानी साहब आपको बताने लगी हैं। जी, तो व्यूवर्स आज हमारी किचन में बनने जा रही है बहुत ही ज़बरदस्त, सर्दियों में बहुत ही पसंद की जाने वाली रेसिपी, चने की दाल और पालक। ये बहुत ही लजीज बनती है और बहुत ही हेल्दी होती है। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। हाँ जी जी, चलें अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। जी तो व्यूवर्स, हमारे पास है 2 गट्ठी पालक। पालक हमने ज़्यादा ली है, आपको क्वांटिटी नज़र आ रही होगी उसकी। तो सबसे पहले पालक को हमने अच्छे तरीके से काट लिया था। कटिंग के बाद इसको बहुत ही प्रॉपरली सही तरीके से हमने वॉश किया है। वॉश आपने अच्छे तरीके से करना है ताकि जो पालक में जो थोड़ी सी इसकी मिट्टी होती है, ये थोड़े से ज़र्रात होते हैं, वो अच्छे तरीके से निकल जाए, हमारी पालक बिल्कुल क्लीन और साफ़ सुथरी बने। तो वॉश करने के बाद इसको अब हमने डाल दिया अपने प्रेशर में। प्रेशर में डालने के बाद इसको हम करेंगे 20 मिनट्स के लिए बॉईल। बॉईल हमने अच्छे तरीके से कर लेना है, उसके बाद हम आपके साथ अपना अगला और जबरदस्त सा स्टेप शेयर करते हैं। हाँ जी, तो व्यूवर्स हम इसको प्रेशर में बॉईल कर रहे हैं। तो प्रेशर में बॉईल करने के लिए हम इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, क्योंकि जो पालक का अपना पानी होता है वो खुद ही निकलेगा, उसके लिए काफ़ी है। हाँ जी, तो ये हमारे पास है 200 ग्राम चने की दाल। इसको भी हमने वॉश करके इसको भिगो के रख दिया। इसको हमने 2 आवर्स के लिए भिगो के रखा है ताकि हमारी जो दाल है वो अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। और चले फिर अब आपके साथ अपना ज़बरदस्त सा नेक्स्ट स्टेप शेयर करते हैं जब हमारी पालक बॉयल हो जाएगी। आप देख सकते हैं हमारी पालक कितनी थी और कितनी हो गई है, यानी कि हमने इसको 20 मिनट के लिए बॉईल किया है। बॉईल करने के बाद इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम हो गई है। तो मैं आपको मशवरा दूंगी, जब आप पालक बनाएं तो ज़रा उसकी क्वांटिटी को ज़्यादा रखें, क्योंकि पकने के बाद, बॉईल होने के बाद ये बिल्कुल थोड़ी सी रह जाती है, तो ऐसे आपकी मेहनत बिल्कुल ज़ाया ना हो। जी तो व्यूवर्स, पालक के माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, ये कुदरत का एक ख़ास तोहफ़ा है। तो ये आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, ये इम्यूनिटी बूस्टर है, जिनको खून की कमी है ये उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। माशाल्लाह इसके जितने फ़ायदे देखे जाएँ कम है। तो आपने अपनी डाइट में जो है पालक को उसको बहुत ज़्यादा शामिल करना। तो सर्दियों में वैसे भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा शौक से खाई जाती है और ये विटामिंस की कमी को भी पूरा करता है। तो चलें अब अपना नेक्स्ट स्टेप शेयर करते हैं। तो इसको अब हमने सबसे पहले ग्राइंड कर लेना है। आप चाहें तो इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको कुंडी डंडे में भी अच्छे तरीके से पीस सकते हैं। तो थोड़ा सा पालक को ठंडा होने देंगे, ठंडे होने के बाद इसको पानी से सेपरेट करके हम ग्राइंड करेंगे और आपको दिखाते हैं फिर। हाँ जी जी व्यूवर्स, आप देख सकते हैं हमारी पालक जो है वो ग्राइंड हो चुकी है। आप इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, आप इसको कुंडी डंडे में भी पीस सकते हैं। तो हमने इसको कुंडी डंडे में पीसा है और उसके बाद ये अब कुछ इस हालत में है। तो ये तो हमारा हो गया काम कंप्लीट, अब चलते हैं इसका मसाला तैयार करते हैं। हाँ जी, तो हमने प्रेशर में 1 गिलास पानी डाला है। पानी डालने के बाद ये हमारे पास है अनियन। अनियन हमारा 1 फुल साइज़ है, ये हमने इसके अंदर डाल दिए। 2 टमेटोज हमारे पास हैं, इनको भी हमने काटा हुआ है, ये भी इसके अंदर डाल देंगे। और 2 टेबलस्पून हमारे पास है जिंजर गार्लिक का पेस्ट। चलिए तो अब बारी आती है हमारे स्पाइसेस ऐड करने के लिए। तो स्पाइसेस में सबसे पहले हम डालने लगे हैं सॉल्ट। 1 टेबलस्पून सॉल्ट डालेगा, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर और 1/2 टेबलस्पून हमारे पास है हल्दी पाउडर। चलिए तो अब हम इसको प्रेशर पे लगा रहे हैं 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद हम आपके साथ मिलते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमारा मसाला किस हद तक तैयार हो रहा है चुके हैं। अब हम चेक कर लेते हैं अपने मसाले को। जी तो आप देख सकते हैं हमारा पानी जो है ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। इस तरीके से व्यूवर्स आपका मसाला जो है वो अच्छे तरीके से मैश हो जाता है, मिक्स हो जाता है और आपका जो हांडी होती है उसके अंदर फील नहीं होता। तो ये मेथड बहुत ही इजी है। तो आप इसी मेथड से अपने जो घर का खाना है इसी मेथड से आप बनाया करें। हाँ जी, तो हमारा पानी मज़ीद थोड़ा सा और ड्राई हो जाए, उसके बाद हम आपके साथ अपना अगला ज़बरदस्त सा स्टेप शेयर करते हैं। जी तो व्यूवर्स, हमारा पानी ड्राई हो चुका है प्रॉपरली। अब हम इसके अंदर डालने लगे हैं ऑयल। आप ऑयल भी ला सकते हैं, आप इसको घी में भी तैयार कर सकते हैं। ऑयल हमने इसके अंदर 1 कप ऐड किया है। ऑयल डालने के बाद अपने मसाले को अच्छे तरीके से भून लेंगे। जी तो मसाले की भुनाई के दौरान अब इसके अंदर डालने लगे हैं 1 टेबलस्पून ड्राई कोरिएंडर पाउडर, 1/2 टेबलस्पून हमारे पास है रेड चिली फ्लेक्स। भुनाई आपने प्रॉपरली करनी है, भुनाई को आपने अच्छे तरीके से करना है। हाँ जी, तो व्यूवर्स हमारा जो मसाला है अच्छे तरीके से भून चुका है। अब हमने आपको जो दिखाई थी हमारी दाल, दाल को हमने 2 घंटे के लिए भिगो दिया था, उसी पानी समेत ही हम दाल को डाल देंगे अंदर। व्यूवर्स चने की दाल को भूनते नहीं हैं, उसके अंदर साथ ही पानी डालते हैं जब आप दाल को डालें। दाल को भूनने से क्या होता है कि जो दाल होती है हमारी वो सख्त हो जाती है, जैसे चिड़चिड़ी टाइप हो जाती है। तो हमने दाल को भूनना नहीं है, साथ ही डायरेक्ट उसके अंदर पानी डाल देना है। पानी डालने के बाद इसको हम 5 मिनट्स के लिए
प्रेशर देंगे, क्योंकि हमारे पास जो दाल थी ऑलरेडी हमारे 2 घंटे के लिए भीग चुकी थी, तो दाल हमारी जो है 80% गल चुकी है। अब इसको 20% हम बाकी प्रेशर में गलाएंगे। जी तो व्यूअर्स, 10 मिनट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपनी दाल को चेक करते हैं कि दाल हमारी कितने हद तक गल चुकी है। ये देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह से हमारी जो दाल है प्रॉपरली गल चुकी है। जी तो व्यूअर्स, रिमेनिंग वाटर को हम अच्छे तरीके से ड्राई कर लेंगे। आपने फुल फ्लेम करना है, फुल फ्लेम पे इसको ड्राई करना है। जी तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमारा जो पानी है ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर अपनी जो मैश की हुई, ग्राइंड की हुई हमने जो पालक रखी थी वो डालेंगे। पालक को आप आलू में भी बना सकते हैं, इसको चिकन में, इसको गोश्त में भी बना सकते हैं। हर तरह से इसका जो टेस्ट होता है बहुत ही मज़े का बनता है। ये बहुत ही हेल्दी फूड है, ये विटामिन्स की कमी को पूरा करने के लिए होती है, ये आपके जो नज़र की आपकी बिनाई के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो माशाल्लाह से हमारे घर में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आज चने की दाल और पालक तैयार हो रही है। तो आपने वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है, वीडियो को लाजमी देखा करें, इसको शेयर भी किया करें और कमेंट्स में हमें लाजमी बताइए कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी है और आप और कैसी कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं, देखना पसंद करते हैं। तो इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके लिए आपकी फेवरेट रेसिपीज़ को तैयार कर सकें। जी तो व्यूअर्स, पालक को हमने इसके अंदर डाला है। पालक को डालने के बाद इसका हम पानी ड्राई कर लेंगे। जो पालक का अपना पानी होता है थोड़ा सा टाइम उस पर भी लगेगा और फिर जब तक हमारा घी सेपरेट नहीं होता तब तक हम इंतज़ार करते हैं। देख रहे हैं, हमने आज बहुत ही ज़बरदस्त आपके साथ रेसिपी शेयर की है, वो है चने की दाल और पालक। ये बहुत ही ज़बरदस्त हांडी तैयार हुई है। तो उम्मीद है आपको आज की हमारी ये हांडी बहुत अच्छी लगेगी और बहुत पसंद आएगी। और लास्ट में अब हम इसमें ऊपर स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला और एक हमने ग्रीन चिली उसको कट करके वो भी हमने ऐड कर दिया। तो अब हम आपके सामने सर्व करते हैं और आपको दिखाते हैं हमारी क्या फाइनल लुक। ये देखिए माशाल्लाह व्यूअर्स, गर्मा गर्म हमारे चने की दाल और जो पालक है वो तैयार किया, तो इसको हम प्रेजेंट कर रहे हैं आपके सामने। थोड़ा सा इसके फ्लेवर को मज़ीद इंक्रीज करने के लिए, मज़ीद इसको हेल्दी बनाने के लिए हम थोड़ा सा इसके ऊपर अपना डालने लगे हैं देसी घी। घर का तैयार किया हुआ दानेदार खुशबूदार हमारा देसी घी इसके ऊपर डल रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी आज की रेसिपी भी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की तैयार हुई है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी व्यूवर्स को हमारी आज की हेल्दी और मज़ेदार रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसको अपने घरों में हमारे मेथड से बनाई हुई चने की दाल और पालक को अपने घरों में लाजमी ट्राई करें। हाँ जी माशाल्लाह से व्यूवर्स, आप देख सकते हैं बहुत ही हेल्दी, बहुत ही मज़े की हमारी आज की रेसिपी हमने तैयार की अपनी व्यूवर्स के लिए, चने की दाल और पालक। ये बहुत ही मज़ेदार बनी है, तो अपना आपने अपने घरों में इसको लाजमी ट्राई करना है। तो मिलते हैं फिर किसी ऐसी ज़बरदस्त मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और हमें दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।